सवाल है, तेरी उम्र कितनी है? तेरी 19-20 साल की उम्र है और 60 साल के अधमरे बुड्ढे के साथ साथ शादी कर रहे हैं। उम्र से अभी तो पागल वागल हुई है क्या? पागल हो गई नहीं, वो क्या है आंटी? ऐसा क्या रीजन है दी गई हरकतें कर रही है? प्यार हमेशा पागल ही होता है। सुन सुन, तू गोविंदर तेरे थप्पड़ तो मारूंगा, शांत हो जा। तेरे ना बहुत नौटंकी हो गई। तू जो चीजें कर रहा है तेरे को शर्म नहीं आ रही 1% भी? तेरे घर में बीवी नहीं है, तेरे बच्चे नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। देख, तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ। इसकी क्या खर्चे हैं जो आप नहीं उठा पा रहे और इसको ये करना पड़ रहा है, एक बार बताओ आप। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं सारे खर्चे उठाती हूँ इसके। इतने प्यार से अपने घर वालों की हालत तो देख। आपने वीडियो देखी और आप जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया? आपके यहाँ पर भी ऐसा हो सकता हो रहा हो, और ऐसा नहीं हो कि आपको भी आगे चलकर पछताना पड़े, खुदा ना करे। ये जो ऐसे मामलात पेश आते हैं और पूरे के पूरे खानदान की नाक कटवा देती हैं इस तरह की लड़कियाँ, आप ये देखिए कि ऐसे माँ बापों के ऊपर क्या गुजरती होगी और इस बूढ़ी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि जिसे पाला पोसा और साथ में मन्नतें कर रही है, उसे प्यार से समझा रही है और कह रही कौन सा खर्चा मैं तेरा पूरा नहीं कर रही, फिर भी वो ये कह रही कि 50,000 महीने में मैं खर्च करती हूँ। क्या खाती है 50,000 रुपये का? क्या खाती होगी ये लड़की? ये तो सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी ज़बानी बातें हैं। इसकी असल जो बुनियाद है और असल जो वजूहात हैं, ऐसे जो हादसात पेश आते हैं वो माँ बापों की ही कमी से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कमी लड़की की है, माँ बापों की भी उसके अंदर कमी ये होती है कि हम साफ तौर पर, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अपनी लड़कियों को जो बाहर निकालते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत सोनी है और बहुत अच्छी है, ये फलानी है, दिमागी है, बहुत तारीफ़ करती हैं। और कभी आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, हमने देखा बहुत जगहों पर देखा कि बहुत अच्छे गुल खुलाती होती हैं लड़कियाँ। तो बात यह है कि ये है हमारी तालीम और तरबियत का नतीजा। अच्छी तरीके से अगर बच्चे की तरबियत नहीं की जाएगी, बच्चों की तरबियत नहीं की जाएगी तो भाई ऐसा होता है। इसलिए गुजारिश है आपसे दोस्तों कि आपके घर में बहन बेटियां हों तो उनकी अच्छी तरबियत करें और बताएं कि इंसानियत क्या है। और ये बताएं कि जिस माँ ने 9 महीने तक पाला है, पेट में रखा है, पाला तो सारी ज़िंदगी है, 9 महीने पेट में रखना कोई आसान बात नहीं होती है। जो लड़की सुन रही है वो याद रखें, जब शादी हो जाएगी बाद में आपको पता लगेगा कि 9 महीने ऐसा नहीं कि आसानी के साथ बच्चा रहता है, बहुत परेशानियाँ दिक्कत होती हैं, फिर पैदाइश की दिक्कत होती है, फिर उसको पालती हैं, दूध पिलाती हैं, कैसे ही भी हक अदा नहीं किया जा सकता है माँ बापों का। लेकिन जब हमने इनको ये पढ़ाया ही नहीं है, समझाया नहीं है, तो कुछ भी कर सकती हैं। उनके नज़र में तो पैसा ही पैसा है, माँ बाप कुछ नहीं है। इसलिए अच्छी तरबियत करें अपनी बहन बेटियों की। और आखिर में आपसे गुजारिश है, जो भी कहना हो इस लड़की के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।